आइटम में क्वालिटी नहीं है, अगर हमारी नियत खराब है तो पक्की बात है समाज के खिलाफ तो होगा। हो गई। अगर आपको 5 साल में उस यूट्यूब पे सिंगल नेगेटिव कमेंट मिल जाए, सिंगल नेगेटिव कमेंट भी, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। सही बात है। सो इस भी आप पे मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में आपसे डिस्कस करूंगा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। बातें हम कितनी बता सकते हैं आपको, क्योंकि आयुर्वेदिक आइटम है, इसके एक एक कंटेंट को बहुत डीपली डिफाइन करेंगे तो शाम हो जाएगी शायद। सही है। तो समझिए हमारे पास अलग अलग 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर एंड ओरल केयर। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हमारे प्रोडक्ट के नाम है, उसका ऑटोमेटिकली काम भी शरीर पे वैसा ही होता है। नेक्स्ट करो सर। पहला आइटम हमारा है इम्यूनोडोक। जैसा आइटम का नाम है, यह टोटल इम्यूनिटी बूस्टर हमारा प्रोडक्ट है। पेट से संबंधित समस्याएं, अपच, कब्ज, गैस, एसिडिटी और अस्थमे में इसका बहुत बड़ा परिणाम आज तक मिला है। क्यों मिला है, यह इसमें जो कंटेंट है आप इसको देख के समझ सकते हैं। इसमें एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुकम, तुलसी, गिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नाम, लेटे और एप्लेक्सेटिव डाला गया है। सही है। लिक्विड आइटम है पहली चीज, सारा आइटम हमारा लिक्विड फॉर्म में ही है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइवोडो। 570 600 शुगर लेवल के पेशेंट, टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन यूजर व्यक्ति भी, पर डे के 3 इंसुलिन 4 इंसुलिन जो है व्यक्ति, वो लोगों पे भी हमारे प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट आकर के आज एक व्यक्ति नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीता है। अगर दिनचर्या लगातार बंदा मेंटेन करता है तो, अगर वो दिनचर्या खान पान सिस्टम बिगाड़ेगा तो वाजिब सी बात है बैलेंस दोबारा बिगड़ना होता है। सही है। कुछ लोग बोलते हैं सर डायबिटीज पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्या, भाई खत्म कभी नहीं होती, ये बैलेंस रहती है। खत्म होगी तो बंदा आप, ये हमारा एक ऐसा आइटम जिससे हम किसी भी घर में, किसी भी सेमिनार हॉल में हम कैश पेमेंट किसी व्यक्ति से इजीली ले सकते हैं। ये 15 से 20 मिनट में आपको रिलीफ देगा, लेकिन पेन किलर जो भी हम कैप्सूल या गोली खाते हैं उससे लाख गुना बेहतर होता है, क्योंकि पेन किलर जो भी हम इनलेट करते हैं वो 100% इंसान के शरीर के नर्व सिस्टम को सुन करने का काम करता है। दर्द रहता है लेकिन नर्व सिस्टम सुन होने की वजह से दर्द का एहसास नहीं होता है। अगर बार बार कोई व्यक्ति अगर नर्व सिस्टम पे प्रेशर डालोगे तो ऑटोमेटिक एक वक्त आता है जब नर्व सिस्टम डैमेज होना होता है। सही है। ये अंदर आपको पीना नहीं है, बाहर से लगाना है तो नुकसान आपको इंटरली को नहीं देता है। 8 से 10 घंटे इसका रिलीफ रहता है। सुबह आप अगर लगाएंगे तो आपका दिन निकल जाता है, अगर रात में आप लगाएंगे आपका रात निकल जाएगी। टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। उसके लिए हमने आपको दिया और थोड़ा हमारा 4 से 6 महीने का कोर्स रहेगा। डिपेंड करता है जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन कैसी है, उस व्यक्ति की एज क्या है और उसको प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अब ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास हैं जो 2.5-2.5 साल से मेरी कंपनी के रेगुलर यूजर हैं, लेकिन अगर उनके प्रॉब्लम सुनेंगे जानेंगे, आपको लड़की की वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, हरियाणा मेरे गाँव से जस्ट 42 किलोमीटर दूर इसका गाँव है, सन 2013 एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी से नीचे का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा, उस लड़की को 2013 से पता ही नहीं है उसके नीचे हिस्सा कुछ है भी या नहीं है। आप उसको पैर काट के लेके जा सकते हैं, कुछ नहीं पता है। हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टरों जब जगह से उन्होंने ट्राई किया, उसका टेस्ट कराया, इलाज कराया, तो एशिया का बहुत बड़ा हमारा एक डॉक्टर साहब है, कहीं पैसा खर्च मत करो, जिंदगी में ये लड़की भी बैठ नहीं सकती और चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई फायदा इसका नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको एड्रेस मिलेगा, अब बाकायदा पता खींचिए, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम यहाँ दिल्ली से जाएंगे तो आपको समथिंग 90 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा गाँव उसका। आज आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 2.5 साल से मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की यूजर है लड़की, बैठना छोड़िए आज वो वॉकर से चलती है लड़की। इससे बड़ा फायदा होगा। कल आपको सर ने बताया था अहमदाबाद का रिजल्ट, तो 13 साल की लड़की है अहमदाबाद से है, किसी को मन करे जाके मिल सकते हैं। ठीक है, आपको उसका भी वीडियो मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा फेसबुक के ऊपर। अगर आप 1 सितंबर का अगर मेरा फेसबुक या महिपाल का फेसबुक सर्च करेंगे तो 1 सितंबर को उसके फादर की लाइव स्पीच आपको फोन नंबर के साथ मिल जाएगी हमारी फेसबुक पे। अहमदाबाद फंक्शन था 1 सितंबर को बड़ा, उसमें आए थे फादर साहब। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है लेडीज की गायनिकल प्रॉब्लम के लिए। लेडीज कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी, भाभी हो, कोई भी हो, सबको प्रॉब्लम रहती है। अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि लेडीज बीमारी चलती फिरती दुकान है तो गलत नहीं होगी बात, उसका कारण है। आज तक कारण नहीं समझा, कारण समझो। लेडीज खाना बनाती है घर में, सबसे लेट खाना लेडीज ही खाती है, सबसे लेट घर में सबको सुला के लेडीज ही सोती है, सबसे पहले भी लेडीज ही उठती है और सबसे पहले खाना भी लेडीज खाती है। हमें तो चाहे बाधे पिलाती है, पहले तो स्वयं एडजस्ट करके आ चुकी होती है।
सही है। तो जो खाने का साइकिल है, अगर वो साइकिल ही पूरा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बात है बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी ही होनी है। सही है। गैनेकल प्रॉब्लम, स्पेस पाने की समस्या हो, लुकेरिया की समस्या हो, पीरियड्स डिसबैलेंस होते हो, महीने में दो बार ही होते हो, 12-12 दिन तक कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, अगर पैरों में कुछ बार बार सुबह उठते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ी ऐसी प्रकार से बड़ी झुंझुनाहट सी होती है, अगर यह कोई समस्या किसी को है, इवन मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं जिन लेडीज को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी, कारण अगर एग का साइज प्रेगनेंसी के वक्त अगर 16 mm से नीचे है तो कंसीविंग नहीं करता है। अगर यह केस किसी को हो तो मेरे पास अनगिनत रिजल्ट ऐसी समस्याओं के मेरे पास प्रोडक्ट के माध्यम से हैं और हमें रिजल्ट पक्का उसको दे सकते हैं। एक सेकंड, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम सर, मैं यहाँ होटल हूँ, 12:30 तक मेरा हो जाएगा प्लान। ठीक है सर, ओके ओके ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। सो नेक्स्ट हमारा तो प्रोडक्ट है ओवियोडो, मोटापे, वेट और फैट का प्रोडक्ट है। अगर डाइट चार्ट फॉलो व्यक्ति करता है तो ये हम रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंड करते भी नहीं है, क्योंकि वेट और फैट का डाइट संपर्क व्यक्ति के टेस्ट और खाने पान से ही। सही है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम थंडर ब्लास्ट मेरी कंपनी का हीरो आइटम, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर किसी व्यक्ति के यूज का मेरा प्रोडक्ट है। मैं अगर यह बात कहूँ कि इस आइटम के दम पे हमने कंपनी खड़ी कर दी है तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे कंपनी का सैंपल आइटम था। अगर आप आइटम में जो चीज़ें डाली गई उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह प्रोडक्ट जो हमारा शरीर में खून पतला करता है, जिसकी वजह से अगर खून पतला होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड पॉकेट्स में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक जब खून पतला होगा तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत इजीली बहुत तेज गति से होगा, तो एनिद्रा, आलस या इंटरनली वीकनेस अगर किसी को फील होती है तो इन चीज़ों पर इसका बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पर आया है। इवन जो इसमें चीज़ें डाली गई हैं ये इंसान के नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी गेम करता है, कोई व्यक्ति जिम वाला बंदा है, आप किसी व्यक्ति को प्री वर्कआउट के रूप में बहुत बड़े लेवल पे इस प्रोडक्ट का यूज करा सकते हो, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मेरे आइटम के माध्यम से आता है। अब नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है तो अगर किसी व्यक्ति के अगर स्पर्म काउंटिंग लो है, आप मेरा आइटम यूज कराइएगा, 100% ग्रोथ करके देगा। अनलिमिटेड क्वालिटी का आइटम है मेरा, आप विद इन ए वीक यूज कीजिएगा, मैं दावा करता हूँ, आप आइटम यूज कीजिए विद इन ए वीक आपको ऑटोमेटिकली अंदर से फील आएगा आइटम में क्वालिटी है। एक सप्ताह ये बात कह रहा हूँ, महीना नहीं बोल रहा आपको मैं। सही है। अब तो इस आइटम की जो क्वालिटी जिस तरीके से काम करता है तो शरीर में किसी प्रकार का भी अगर किसी को ब्लॉकेज है तो यह आइटम मेरा पक्का ही काम करता है। छोड़कर हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट को हम नहीं देते ये, उसके अलावा हर किसी व्यक्ति को, भले पैरालाइज पेशेंट हो या कोई नस कहीं से ब्लॉकेज हो, इवन लेडीज की जो ओवरीज में जो सिस्ट हो जाती है जिसे रसोली बोलते हैं और मेडिकल साइंस में नॉर्मली वो इलाज नहीं हो पाता बिना सर्जरी के। मेरे पास कितने ऐसे केस मैं आपको दिखा और मिला सकता हूँ लोगों से जिनके हमने वो रसोली गायनाडोक के साथ थंडर ब्लास्ट रिकमेंड करके बिना ऑपरेट किए 10 से 15 हज़ार रुपये के पैकेज में 2.5-3 महीने में वो क्लीन कराई है। सही है। नेक्स्ट मेरा आइटम है कार्डियोडोक, 70% तक का हार्ट ब्लॉकेज, इवन 90% तक के रिजल्ट भी मेरे पास उसके महाराष्ट्र नागपुर भाई साहब है, 90% तक का हार्ट ब्लॉकेज भी क्लीन हुआ है, बाईपास सर्जरियाँ कैंसिल हुई मेरे आइटम के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा आइटम है लिवोडोक, ये लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और जरूरी नहीं है हम बीमार होंगे तो इस आइटम को यूज करेंगे। सही है। अगर लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता तो ऑटोमेटिक खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता तो बहुत सारी समस्या खुद ब खुद पैदा हो ही जानी है। ठीक है, आपको मुंह से स्मेल आना, आपको गैस की समस्या होना, आपके स्टूल में सुबह के लेटरिन में बदबू ज्यादा है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा खाना पीना सिस्टम सही नहीं है। सही है। यूज कीजिए आप सुबह सुबह खाली पेट, सुबह 5 दिन का ढक्कन पीजिएगा, 5 दिन में आपको अपने आप महसूस होगा हाँ वाकई में क्वालिटी है आइटम है, आइटम ने काम किया है। किसी को यूज कराने की आवश्यकता नहीं है, थंडर ब्लास्ट मेरा, इम्यूनोडोक मेरा, लिवोडोक, किसी को यूज कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद यूज कीजिए, आपको 1 वीक से 10 दिन में अपने आप एहसास हो जाएगा वाकई में क्वालिटी है आइटम में, और क्वालिटी है तो इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सही बात है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है स्टोन डोक, ये किडनी स्टोन के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलिस्ट है। 12 mm तक की किडनी का किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो बहुत बड़े इसके रिजल्ट मेरे पास आए हैं, साथ में इसको हम इम्यूनोडोक मिला करके मिक्स करके देते हैं, तो कुछ समस्याओं में कुछ प्रोडक्ट के साथ हम कुछ आइटम का कॉम्बो पैक बना करके दिया करते हैं। वो आप अगर शुरुआत करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको कैसे क्या रिकमेंड
करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है पायलट ऑफ पाइल्स का, किसी प्रॉब्लम है अल्टीमेट रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर पाइल्स के भाई साहब के माध्यम से, इसके साथ में इम्यूनोलॉजिक्स करके पक्का देना है तो बहुत बड़ा फायदा, जो ढाई महीने माना होता है वो हमारा रिजल्ट यहाँ से महीने डेढ़ महीने में निकल जाता है, सही है। नेक्स्ट हमारा आइटम है क्लोरोडॉक, एक्चुअली फिलहाल कंपनी की साइट पे बिलिंग पे अभी आइटम हमने होल्ड किया हुआ है तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम है एलोवेरा, इसके बारे में आई थिंक हर कोई व्यक्ति जानता है एलोवेरा क्या चीज है, स्किन के लिए इससे बेहतर कोई आइटम है नहीं, पूरी बॉडी को प्योरीफाई करने का काम ये आइटम करता है। नेक्स्ट हमारा आइटम है तुलसी, तुलसी अब मैं आपको बोलूंगी जी तुलसी क्या, आप लोगों ने तुलसी मार्केट बहुत सारी देखी होगी और बहुत सारी आप लोगों ने तुलसी मार्केट में शायद यूज भी की होगी, मैं कहूँगा नहीं कुछ भी आपको, सिर्फ मेरी तुलसी अगर आप खोल के रख लेंगे रूम में और अगर हल्के मात्र खुशबू भी ले लें तो एहसास हो जाएगा कि मेरे मुकाबले की तुलसी आपको नहीं मिलने वाली, इस बात के मैंने आपसे बताओ, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज के बहुत सारे लोग बड़े बड़े आइटम टेस्ट कराते हैं सैंपल के रूप में, वो थर्मोकोल पे पानी में डाल करके टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। वो जो 1,500-2,000 रुपये का आइटम जो टेस्टिंग कराते हैं, मेरी तुलसी का मात्र एक ड्रॉप डाल दीजिए उसका बाप है मेरा आइटम, ये एक ही ड्रॉप काफ़ी है, ठीक है, दूसरी की आवश्यकता नहीं है। जिस बोतल में अभी तुलसी आपने डाली है भाई साहब, उस बोतल में अगले 3 दिन तक पानी पीजिएगा, तुलसी आपको यही महसूस कराएगी यहीं पे है। और नेटो मार्केटिंग छोड़िए, ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर आपको मेरी छोटी साइट में प्रॉब्लम का आइटम मिल जाए तो मेरा आपसे चैलेंज है इस बात का, अगर इसके बारे में मुकाबला आइटम मिल जाए तो गारंटी से मैं इस बात को कह सकता हूँ, गारंटी के साथ। और गारंटी इस बेस पे है कि ट्रेडमार्क हमारा खुद का है, ब्रांड हमारा खुद का है, हम खुद आइटम बनाते हैं, हम खुद ही आइटम खाते हैं और हम खुद ही आइटम बेचते हैं, हम कोई 50 छोड़ दे तब भी आइटम नहीं देते किसी को। तो जो मेरे पास आपको टेस्ट मिलेगा वो हिंदुस्तान में कहीं और टेस्ट मिल ही नहीं सकता है, तो दोबारा मजबूरी व्यक्ति को घूम के मेरे पास भी आना पड़ेगा। और आई थिंक रियल नेटवर्क को बोलते हैं जो चीज़ जो क्वालिटी हर जगह मिल जाए वो कहे कि नेटवर्क बंदा कहीं भी ले लेगा, जो हमारे पास मिल जाए कहीं ना मिले ना तभी तो बंदा लाइफ हमारा बन के रहेगा। नेक्स्ट ये कल ठंडे पॉइंट पिया आपने हल्के हैं सर, वो जो किडनी फेल हो जाता है उसके लिए कौन सा यूज करना रहे सर? वो एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ना स्टोन डो के, वो रियल में हमारा आइटम किडनी सर्विसिंग का प्रोडक्ट है, अच्छा, जिसकी वजह से वो किडनी स्टोन पे बड़ा काम करता है, उसका नाम उसका स्टोन डॉक रखा हुआ है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्टोन डॉक प्रयोग कराने का, इवन वैसे डायलिसिस वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर ही कुछ नहीं करता है नहीं। लेकिन अगर बंदा अपने फेथ का है तो हमारे पास ऐसे भी हैं जो लोग डायलिसिस पे थे, उन लोगों पर भी मेरे आइटम से बड़ा रिजल्ट आया है। लेकिन बात यह है कि अगर बंदा अपना विश्वास पाता रहे तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्या होता है कि लोग उल्टे गले पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। और आपने चीज देखी होगी मेडिकल साइंस में लोग डॉक्टरों के पास 15-15 साल तक लाखों रुपए गंवा लेने आराम करते, तलाक कोई गारंटी नहीं मांगता, हम किसी को समझाने क्या जाए भाई साहब गारंटी है क्या, उनको का पट्टा आराम ज्यादा पिछले 15 साल से कर्जे में डूबा पड़ा, कभी गारंटी नहीं मांगा, आराम से गारंटी मांगा। कभी आपने सोची है बात ऐसा क्यों होता है? मैं माफी चाहूंगा आप लोग मेरे से पुराने बंदे हैं पर मैं रियली बोलूं शायद नेटवर्क मार्केटिंग की रियल हकीकत में नॉलेज अभी तक किसी ने दी नहीं किसी को। जब अपने अपनों को अपनों के द्वारा कोई चीज रिकमेंड करते हैं ना तो दोस्त वहां प्राइस वार नहीं वहां क्वालिटी वार होती है, और जब अपने अपनों को रिकमेंड नहीं करते हैं तो वहां मार्केट देख के आइटम देखता है। ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति कोई कंपनी को आइटम लेकर के आएगी तो वहां प्राइस वार रहता है, तो उस आइटम के लेवल का उस रिक्वायरमेंट का जो जो मार्केट में प्रोडक्ट है हम हमेशा उन प्रोडक्ट की एमआरपी रेट देखकर ही हमें अपना आइटम रेंज में लाना पड़ता है, सही है, क्योंकि वहां तो दुकान पे माल बिकेगा या बिकेगा मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल स्टोर दुकान वाला मेरा आपका रिश्तेदार नहीं हो, वो दुकान वाला या स्टोर वाला हमेशा वो आइटम रिकमेंड करना चाहेगा जो ईजी दिख जाए और ज्यादा मार्जिन दे जाए, वो कन्वेंस नहीं करेगा, वो डिफाइन नहीं करेगा, वो रेट को डिफाइन कभी भी जिंदगी में नहीं करेगा, वो रेट और क्वालिटी को क्लेरिफाई कभी भी नहीं करेगा, सही है। सो इसलिए वहां प्राइस वार चलता है। मेरा प्रोडक्ट हिंदुस्तान की एमएलएम इंडस्ट्री का सबसे महंगा आइटम है, नेटो मार्केटिंग में तब भी बेच रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाला मेरा आइटम बेच ही नहीं सकता, क्लियर है। लेकिन आपने कल जो एमडी साहब की स्पीच सुनी है और मेरा यूट्यूब देखिए बाकी हमारा मालूम पड़ेगा आपको, जो रिजल्ट हमारे पास हुआ तो कोई दे भी नहीं पाया है, तो हम प्राइस पे नहीं टिके सर। हम किसी घर में जाते हैं तो
तो सामने वाला व्यक्ति मेरा फेस देख के आइटम परचेज करता है मेरे से, वो रेट नहीं देखता, मेरे एक बात करता भाई साहब गारंटी है। बोला जब आइटम में पत्ते फूक फूक के डाल दिए तो वारंटी वाले लोगों ने कहाँ दी, हम देते हैं सर, जो रिजल्ट कहीं नहीं आज तक आया ना, रिजल्ट हमारे पास है, रेट नहीं है क्वालिटी मायने का सही है। बाकी हम थोड़ा बिजनेस प्लान डिस्कस करके डिस्कस करेंगे थोड़ी चीज। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है नोनी, आई थिंक हर किसी व्यक्ति को पता है, हर एक व्यक्ति को 18 महीने सीट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, नो शरीर बनाता है नो बाहर से लेने पड़ते हैं, हर किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ये जरूरी है हर किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है किड डॉग, बच्चों के मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आइटम है थायरोडॉग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आयुर्वेद प्रोडक्ट का लिक्विड आइटम में पहली कंपनी जिसके पास थायरॉयड का प्रोडक्ट है, और है ही नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, सिर्फ गिनती नहीं है इसकी। नेक्स्ट है फ्यूडोक, अगर किसी को बार बार बुखार है ज़्यादा, किसी अगर प्लेटलेट्स की काउंटिंग डाउन होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन पर किसी को है तो यूज़ कराइए सर, मैं कह रहा हूँ सुबह और शाम दो टाइम यूज़ करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टेस्ट कराओ अपना, तो रिजल्ट दी जाता आइटम का, आसानी फायदे भाई। तो ये वेट के अंदर नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपको अगर आप बस में आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि एक इंसान के वो हमारे पर्सनल केयर के हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू दो में, बाल हो बाल टूटते हो बाल झड़ते हो, हाँ थोड़ा अगर व्यक्ति थोड़ा स्टाइल मारता भी हवा में बाल उड़ने चाहिए तो मेरा आइटम प्रयोग नहीं करता है, अगर टूटते झड़ते हैं तो उसको आप नाइट में यूज़ करो। एक ही बात कहना चाहूँगा, गीले बालों में जब बाल आपका सिर गीला है तो यूज़ नहीं लगाना नहीं है, सिर को सुखाने के बाद ही लगाना, अगर गीले बालों में लगाओगे तो बाल ज़्यादा टूटेंगे आपके, ये मैं आपको पहले तारा देना चाहूँगा, सही बात है। उसके तुम्हारा कुछ आइटम है ब्यूटी केयर के, इनके बारे में कुछ बोलना मेरे हिसाब से तो बनता नहीं बोलना, क्योंकि फेयर लवली कितने साल से बेच रही है, तो चौथा दिन में गोरी होती है तो हला गोरा पड़ा तो हुआ नहीं है, सही है, तो बस हीरोइन गोरी होती है तो लोग खरीद रहे देख देख करके, नहीं तो ऐड कराते दोनों लीवर से, फिर करते ना टर्न ऑन 450 करोड़ का, दोनों भाई गोरा होना नहीं था तो कभी भी नहीं बिकती ना। तो मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हमारा हेयर फेस वॉश है, फेस स्क्रब है, कुकुम्बर क्रीम है, सेफ्रॉन जेल है, या हिलडॉग क्रीम है, टोटल आइटम प्योर आयुर्वेदिक है, किसी भी आइटम में कोई झाग बिल्कुल भी नहीं है, डेली लगातार हर दिन स्क्रब कर सकते हैं। सेफ्रॉन जेल मेरा दो नंबर आइटम है, ये आइटम दम रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेडीज में स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क खत्म करने का भी मेरा आइटम दम रखता है, इससे आगे कुछ बोलना आई थिंक शायद बड़ाई वाली बात हो जाएगी। डे टाइम में प्रयोग नहीं करना, बस लगाने के बाद धूप में नहीं घूमना, रात में लगाओ सो जाओ, स्किन टाइट वाली जो लोग बहुत सारे के 1000 की क्रीम लेकर के आते हैं, मैं कह सकता हूँ उनका बाप मेरा आइटम ये, अगर लगातार यूज किया जाए तो, सही है। नेक्स्ट मेरा आइटम है आज हमारे पास ओल केयर, ये डेंटोडोक हमारी टूथपेस्ट है, जिसे मैं कहूँगा पेस्ट कम दवाई ज़्यादा हो गई है, बताऊँगा आपको मैं कैसे करना है। 8वें दिन चाय पीकर उसको लगा के टेस्ट कीजिए, जो मैंने बताया क्वालिटी ना मिले, रिजल्ट ना मिले, मेरी खाली ट्यूब वापस दे देना, अकाउंट नंबर भेज देना, पैसा वापस कर देंगे। यूज़ किया भाई साहब, तो आई थिंक बाकी मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं कैसा लगा, आप बोल सकते हैं गंदा लगा गंदा बोलिए, अच्छा लगा अच्छा लगा बोलिए, कैसा लगा खिलाऊंगा ना मैं। सेकंड सर ये तो थे इसके जिसकी कंपनी बनाएगी, इसके अलावा इसके जो लोगों ने यूज़ कर डाले हैं वो समझिए, अगर किसी को पिंपल्स हैं फेस पे तो सप्ताह में 3 बार इसका लेप लगाइए, 10 मिनट रखिएगा, आँख का एरिया छोड़ करके रखिए, बहुत तीखा लगता है, थोड़ा लौंग का तेल इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 10 मिनट लगाइए, फेस वॉश कीजिए, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, एक डिब्बा एलोवेरा पिलाइए सुबह खाली पेट, ढक्कन भर के, और इसका पेस्ट का आप उस पर लेप लगाइए, महीने भर में ख़त्म ना हो तो मेरे से बात कीजिए। सेकेंड एसिडिटी हो, खट्टी डकार आती हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप इनों प्रयोग करते हैं, इनों को मुझे नहीं पता कैसा रिजल्ट है, पर मेरी पेस्ट इतनी सी हल्के से चाय का जो कप होता है उतने से गर्म पानी मिलाइए पीजिए, और अभी सारे टेस्ट कीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिएगा, मालूम कर देगा आपका आइटम क्या है, दबा के बांट देना है ना सर, एक बार स्प्रे घुमा लेंगे। 100% फ्लोराइड फ्री है, आप खा सकते हैं, मेरा हर एक लीडर जो मार्केट में प्लान करता है आई थिंक शायद डेली कहीं ना कहीं खाई जाते हैं डेली, सही है। सो आप टेस्ट कीजिएगा, अगर किसी ऐसी समस्या है यूज़ करो, 15 से 20 मिनट में आप रिलीफ देगा, देगा मतलब देगा नहीं देना, सही है सर दीजिए, 1 मिनट के बाद पानी पी लेना इसको खाने के बाद, फील करा देगा हाँ मैं हूँ। नेक्स्ट हमारे कुछ आइटम है, ये हमारे कुछ स्पेशल आइटम है, सबके लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है, जैसे पहला है एडिट डॉग, ये कुछ यूनिक पर्सनैलिटी होती है धरती पे, अगर कोई लिमिट से ज़्यादा बेवड़ा है मैं कह सकता हूँ उसको तो आप ये प्रयोग करा सकते हैं, इवन गुटखा तम्बाकू का भी, और आप कहेंगे सर इसका कैसा रिजल्ट है,
तो रिजल्ट के लिए हमारा आइटम सर्टिफाइड हो चुका है, पंजाब वाले सेटिस्फाइड हैं। और पंजाब में अगर लोग खुश हैं तो आई थिंक किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, ड्रग्स एडिक्टेड बच्चों पे मेरे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट पंजाब में निकला है। नेक्स्ट हमारा आइटम है, एक बैग के लिए एक प्रॉब्लम होती है वेनाकोल, जिसपे बड़ी नीली सौसा पैरों में किसी के हाथों में निकल जाता है, वो उस समस्या पे हमारा तेल की मसाज कीजिए, थंडर वाला साथ में पिलाइएगा, आइटम काम कर देगा। नेक्स्ट हमारा आइटम है, ये हेयर कंडीशनर है, पहले वाला ऑयल और शैम्पू थे, कंडीशनर है। नेक्स्ट ये हमारा पहले वाला ज्वाइंट प्यूटर ऑयल फॉर्म में था, ये जेल फॉर्म में है, थोड़ा ऑयल को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रेंडो क्रस है, थोड़ा किसी का दिमाग ज़्यादा खराब रहता है तो बोलते हैं मेरा दिमाग बहुत खराब है, तो अगर किसी का ज़्यादा खराब रहता है तो प्रयोग कराइएगा, बहुत अच्छे परिणाम इस आइटम के मेरे पास मार्केट में आए हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम त्रिफला रस है, इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, दो आइटम मेरे ऐसे हैं, सुबह सुबह खाली पेट उठते एक ढक्कन पिया जाए एलोवेरा, और रात में लास्ट में बिस्तर पर जाते टाइम पिया जाए एक ढक्कन त्रिफला। मैं कह सकता हूँ कि 50% पंचकर्मा की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है इन दो आइटम के सुबह और नाइट में प्रयोग कर लेने से, इससे बेहतर शायद पेट के लिए आइटम को बनाए नहीं त्रिफला से बेहतरीन। कफडोक रस, ये मौसम के साथ आई थिंक हर किसी व्यक्ति में समस्या कभी कभी आ जाती है, और उम्र के साथ हर घर में हमारे पास रहती है, तो यूज़ का आइटम है, यूज़ कराओ, आप दो दिन यूज़ कराओ आप प्रोडक्ट शॉप हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारी कंडीशन तो है, कई बार ऐसा होता है कि हम आपने अभी यूज़ कराया है कपडोग पिलाया, ऊपर से हल्के से कप चाय पिलाओ आपको रिलीफ दे देगा, अभी क्या अभी याद है। एक जुकाम किसी को जब कोल्ड होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कफ के साथ, गले में बड़ा दर्द होता है, और हम नेटवर्कर लोग हैं तो बोलने में और खाने में बड़ी आपत्ति होती है। अगर किसी किसी समस्या भाई मेरे हो तो थंडर ब्लास्ट का एक ढक्कन 30 ml भर के पीजिए, ऊपर से चाय पानी दूध कुछ नहीं पीना, एक घंटे के अंदर वो गले में गिर जाता था बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तो कई साल से समस्या ये मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, बहुत लोगों ने मैंने किया, बड़ा तगड़ा रिजल्ट है आइटम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लड़की लेडीज़ के लिए एक समस्या है, बीटोन जेल है क्लॉकवाइज, इसकी मॉलिश करने की है। टोटल कंपनी के हमारे पास अभी 39 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ऑनलाइन बिलिंग पे 38 ही अभी अवेलेबल है, इधर बात है। अब इसके आगे आइटम क्या है क्या नहीं है, मैं इसके ऊपर छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आप किस बयाप पे, क्योंकि हर कंपनी बोलती है मेरा आइटम अच्छा है, ठीक है, तो किस बिहाफ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में हम जो बोल रहे हैं वो रिजल्ट हमारे हैं तो रिजल्ट क्यों हो। बहुत लोग जैसे कल अभी बात बोली जब स्टेज से, तो बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसे जब रिजल्ट आते हैं तो लोगों ने बड़े ड्रामे किए, बोले भाई साहब कुछ ड्रग्स मिला रखा है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, सिर्फ नीयत की बात समझिए ध्यान से, ये रिजल्ट हर कोई दे सकता है पर कोई दे नहीं पाएगा, इसका कारण है, कारण समझो, आज तक हिंदुस्तान की MLM इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी मार्केट में चलने को मिली, आज नेटवर्क मार्केटिंग इतनी गंदी हालत मार्केट में है कि लोग अपनी औलाद को चपरासी बनाने को तैयार है 2.5 लाख देने के लिए, फौज में भेजने को तैयार है 4 लाख देने के लिए, और पुलिस में भर्ती कराने को तैयार है 8 लाख रुपए देने के लिए, पर कोई परिवार फैमिली नेटवर्क बनाने को तैयार नहीं अपने औलाद को लाखों रुपये कमाने के लिए। आज आपकी मेरी इमेज इतनी खतरनाक बनी हुई है कि गले में टाई हाथ में बैग देख के लोग भाग जाते हैं। अब कमाल की बात है सर, ये अचीवमेंट इसे हम बताने में तारीफ समझे या अपनी बिजती समझे, हमें नहीं आया। अकाउंट में ट्रांजेक्शन हमने 1 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लिया, अब वो देख के खुश होना चाहिए, पर जब किसी को बर्थडे पार्टी में कॉल करते हैं भाई साहब आ जाना तो साले कुत्ते आते नहीं है, किसी को शादी में बुलाए तो लोग डाउट करते हैं इसकी शादी पता नहीं हो भी की या फिर किसी टाई वाले को बुलाएगा नहीं इसकी सुनाएगा। अकाउंट देखे तो खुशी, पर जब सर्कल को देखते हैं तो तकलीफ होती है, कुछ नहीं कमाया, मतलब हमारी हालत वो कमाने के बावजूद भी हम खाली हैं, सही है। और मैं एक बात कहूंगा, फेस वैल्यू गंवा के अगर 1 करोड़ रुपए कमाया भी है आई थिंक कुछ नहीं कमाया है, सही है। आदमी कर्जे में चला जाए अगर फेस वैल्यू जिंदा है, बंदा व्यवहार अगर जिंदा है तो दोबारा उठ सकता है, जिस इंसान ने फेस वैल्यू ही गंवा दी वो जिंदगी में दोबारा काम उठ के आएगा, सही है। और जाने अनजाने मार्केट में हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी बन चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम इंडस्ट्री में हमेशा वो प्रोडक्ट आते हैं जो दुनिया के सबसे थर्ड क्लास सबसे बेकार जिन्हें हालांकि यूज ही नहीं है वो आइटम बेचे गए। मेरी बात गलत तो नहीं है, सही है।
इस अवधारणा के खिलाफ, इस अवधारणा को हमने खारिज करते हुए एसली की कंपनी शुरू की है। मैं इंडिया की नहीं बोलूंगा बोस, मैं वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी हूं जिस कंपनी ने 9 नवंबर 2014 कंपनी की हमारी शुरुआत थी, ऑफिस का मुहूर्त था, वेबसाइट चालू थी, उससे 2 महीने पहले हमने 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सोशल मीडिया के माध्यम से या गली गली घूम के हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल बांटे हैं। आज तक कंपनी ने सेटिंगें बांटी हैं, लेग दी हैं, खर्चे दिए हैं, कारें भी दी हैं और एक एक साल होटलों के हॉलों के मीटिंग हॉल के पैसे भी दिए हैं। हम 10 रुपए का सलाह किराया भी किसी को नहीं देते हैं भाई, इसलिए सर ने बोला हम लोग मंडी कुड़ू अकड़ू नहीं है, पर हमने जो दिया है ना आज तक कोई इंडस्ट्री में दे ही नहीं पाया है। ये मेरा कंपनी का ज्वाइंट क्यूट्रोइल थंडर ब्लास्ट और हमारा इमिनडॉग, ये जब कंपनी हमने शुरू की उससे पहले सैंपल आइटम है। अब सैंपल टेस्ट कौन कराएगा मुझे आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने घर में देसी घी में अगर 5 चम्मच डालडा घी मिलाया हुआ है उतना खिलाएगा थोड़ी, वो आराम ज्यादा भैंस की नस्ल बताएगी, मेरी भैंस मुर्रा नस्ल की है, मेरी खेती बढ़िया है, खिला के टेस्ट नहीं कराएगा भाई। इस व्यक्ति का घी शुद्ध है वो बात कम करेगा, चम्मच 3 बोलेगा तो एक काम कर खुद भी खा, पापा खिला बाप खिला, मजा आए तो लेना बाकी, सही बात है। बस अकड़ नहीं हमारी ये, पर भाई हम क्या करें, हमने अपनी चीज को नियत से बनाया है कि हम जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है, गुजारिश हल्की से करते नहीं है, आइटम में दम है। एक बार हमें कन्विंस करना पड़ता है, सेकंड टाइम तो बंदा में ढूंढ के दोबारा अपने आप आता है, सही बात है। और कितनी भी अच्छी चीज बुरी चीज हो, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेल आपके फेस आपके फेथ और आपके कन्विंसिंग टैलेंट से होती है, सेकंड सेल आपके फेथ और फेस से नहीं हो सकती है मेरे दोस्त। सेकंड सेल तो प्रोडक्ट इटसेल्फ ही लेकर के आएगा, अगर दम है तो बंदा आएगा, दम नहीं है तो बंदा छुप जाए, सही बात है जी। तो पहली चीज सैंपल पे हमने कंपनी खड़ी की, सेकंड बात समझिए रिजल्ट की बात वजह क्या, हम डॉक्टर वैद्य सारे फौजी लोग हैं, फिर फौजियों वैद्य में क्वालिटी कैसी आ गई, क्वालिटी सबके पास है, हर कोई बना सकता है पर क्यों नहीं बनी, इसका कारण है। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति कंपनी बोलती मेरी नियत है रिजल्ट दे के, क्या बोला, रिजल्ट दे करके मीटिंग में आधे घंटे ऑफिस पे आऊंगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति रिजल्ट दे करके, क्या बोला, अगर रिजल्ट दे करके काम करना चाहता है तो भाई मार्केट में लोगों ने कंपनी ने आइटम बनाए मोस्टली गोली मोस्टली कैप्सूल, हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिस कंपनी का टोटल एक्सपायरी डेट लिक्विड की बजाय बहुत लंबी होती है, लिक्विड की छोटी होती है, तो रिस्की है। गोली और कैप्सूल का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लिक्विड से आधा होता है, अगर लिक्विड है मतलब डबल आ खर्चा ऑटोमेटिक होना, क्यों, क्योंकि लिक्विड को कोरियर बाई फ्लाइट लेता नहीं है, तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट से या ट्रेन से जाएगा, जो डिलीवरी मुंबई में यहां से लिक्विड गोली कैप्सूल की तीसरे दिन में हो जानी थी वो डिलीवरी आपकी लिक्विड आइटम की एक वीक के बावजूद ही होनी है, तो मार्केट नेगेटिव होने के चांस रहते हैं, और कोई भी बंदा मार्केट नेगेटिव करके पैसा नहीं कमाता, सब सारे पॉजिटिव करने में लगे हुए, सही बात है। सेकंड बात समझिए, अगर कोरियर में लीकेज के प्रॉब्लम टूटने का भय बड़ा होता है, एक पैकेट गया लीकेज हो गया क्योंकि बाइक ट्रांसपोर्ट रोड से जाएगा तो बड़ा चांसेस रहते हैं, पैकेज लीक हो गया टूट गया तो कोई व्यक्ति एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, दोबारा आएगा दोबारा भेजना पड़ेगा, तो दोबारा कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा, सही है, इसलिए हेडिक का बहुत बड़ा काम है। तीसरी बड़ी बात स्टोरेज की, लिक्विड का पैकेज स्टोर किया और गोली कैप्सूल स्टोर किया तो गोली पैकेज में स्टोरेज में समस्या नहीं है, 50 लाख का करोड़ का माल है, मौसम चेंज हुआ टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ समस्या नहीं है कोई भी, अगर वही आइटम लिक्विड है तो स्टोरेज में अगर मौसम चेंज हुआ या